हाथ पकड़ा उसने, इस सविता देशमुख का हाथ पकड़ा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, सबक सिखाऊंगी। आई, मुझे तेरी हर बात समझ में आ रही है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वहीन ने तेरा क्यों हाथ पकड़ा। अरे वो सुलोचना को मैं एक चाटा लगा कर उसकी औकात दिखा रही। क्या, तूने सुलोचना आई पर हाथ उठाया? हाँ, वो अर्चना अगर बीच में नहीं आती ना तो मैं सुलोचना को टच कर देने वाली थी। वही औरत है, अपनी बेटी को सब सिखाती है। ये दोनों माँ बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, 18 सालों से उसने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा है, समझी? अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ना तो पनौत के लाने के लिए मैं उनके घर नहीं जाती थी। अर्चना कानूनन मेरी बहू है, अगर मैं उसको लेने गई तो सुलोचना कौन होती है रोकने वाली? तेरी समझन, अगर अर्चना वहीनी तेरी बहू है तो कानूनन सुलोचना आई तेरी समझन हुई, तो तू अपनी समझन पर कैसे हाथ उठा सकती है? आई, तुझे हो क्या गया है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? अगर मैं वहीनी की जगह होती और मेरी सास तुझ पर हाथ उठाती तो मैं भी वही करती जो अर्चना वहीनी ने किया है। आई, तूने वहीनी को इस घर से निकाल कर इस घर का नुकसान किया है। हमारी खुशी, दादा की खुशी सब वहीनी के साथ जुड़ी हुई है, और तू दादा और वहीनी को अलग करने पे लगी है, इस घर की खुशियाँ छीन रही है तू। हाँ, मैं तुम सबकी खुशियाँ छीनने वाली तुम्हारी दुश्मन हूँ। तू भी अभी उसका गुणगान गाने लगी, मेरा बेटा तो उसके साथ ही है, जोरू का गुलाम बन गया, अभी तू उसके साथ है। पता नहीं वो जादूगरनी ने तुम लोगों पे क्या जादू फैलाया। तेजो रोवी को आने दो, वो आते ही उनको लेके मैं तुरंत कनाडा चली जाऊंगी। तुम बैठो इधर अपनी वहीनी 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 करके। अर्चु, आई तू यहाँ क्या करी? तू जाकर आराम कर, तेरी तबीयत खराब है, मैं चाय लेकर आती हूँ, जा। अर्चु, मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती है, हम चाह कर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते। आई, आई मुझे बहुत शर्म आ रही है अपने आप पर, मैंने इस तरह सविता का हाथ पकड़ा, तेरे संस्कार ये नहीं आए। हाँ, लेकिन तेरा इरादा उनका अपमान करने का नहीं था, बल्कि वो जो गलती करने जा रही थी तूने तो उन्हें रोका, और जिस तरह मैंने तुझे बड़ों का आदर करने की सीख दी है उसी तरह अत्याचार के खिलाफ लड़ने की सीख भी दी है। तूने जो किया वो ठीक किया, इसलिए अब अपने आप को कोसने की कोशिश मत करना। जो कुछ भी हुआ वो पूर्वी को मत बताना, जबरदस्ती परेशान होगी और कुछ नहीं।